हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी वीकेंड के लिए स्पेशल ढोकला ट्विस्ट। ढोकला तो हम खाते ही हैं, लेकिन आज इसमें एक ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ली है आधा कप तुअर की दाल और आधा कप चना दाल। दोनों दालों को 4 घंटे पहले भिगो के रखा था। अब इसका पानी निकालते हुए इसका पेस्ट बनाएंगे। तो हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे। फिर इसके साथ डालेंगे हरी मिर्चें, एक टुकड़ा अदरक का और कुछ कलियां लहसुन की, ये भी डाल देंगे। साथ में डालेंगे 2 चम्मच खट्टा दही और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका दरदरा पेस्ट बनाएंगे। देखिए ये पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। इसके साथ डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जरा सी हल्दी, जरा सी हींग और 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच ऑयल। और इसके साथ ट्विस्ट है ये फ्रेश मेथी की भाजी 1 कप। ये बहुत ही बढ़िया ढोकले बनेंगे। आप एक बार इस तरह से जरूर बनाइए। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ किसी भी स्टील की थाली, बर्तन आप कोई भी ले लीजिए, उसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और लास्ट में इसमें डालेंगे 5 चम्मच खाने का सोडा और इसे फिर मिक्स करेंगे। इसे लास्ट ही डालना है सोडा को। अब हमें ढोकले को स्टीम करेंगे। ढोकले को ढक्कन ढक के कम से कम 20 मिनट तक स्टीम करिए। देखिए ये ढोकला हमारा बिल्कुल स्टीम हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये बिल्कुल ढोकला ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसके पीस करेंगे। अब हम इसका बघार करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसमें डालेंगे राई, फिर थोड़ा सा जीरा, जरा सी हींग, कुछ कड़ी पत्ता और सारी चीजों को मिक्स करेंगे और लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच सफेद तल। इसे भी मिक्स करेंगे और बघार को ढोकले के ऊपर फैला देंगे। फिर इसे सर्व करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो? थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिए। थैंक यू सो मच।